चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कल के मार्केट की पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। कैसे प्रॉफिट कमाना है मार्केट से, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो देखते रहिएगा जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ठीक है? क्योंकि आधा वीडियो देखोगे तो आधी जानकारी मिलेगी और लॉस कर बैठोगे, बट पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी जानकारी के साथ प्रॉफिट बुक करके ही निकलोगे कल मार्केट से। क्योंकि बिगनर्स लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। देखिए यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने ये देखिए, ये ट्रेड लाइन के ऊपर काम कर रहा है। ये देखिए मार्केट, ये टोटली ट्रेड लाइन के ऊपर काम कर रहा है मार्केट। देखते रहिएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है? देखिए इस हिसाब से सब रहने वाला है। चलिए मैं आपको टोटली बता देता हूँ। तो ये सारे इंडिकेटर, मतलब ये सारे ड्रॉइंग हटा देता हूँ यहाँ से मैं। चलिए ये सारे ड्राइंग हटा करके आपको टोटली समझा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारे ड्राइंग हट गए। तो चलिए मैं आपको पूरा टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट क्लियर करके बता दूंगा आपको मार्केट में किस हिसाब से कल काम करना है। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आज का मार्केट थोड़ा सा किस हिसाब से रहा, आपको मैं क्लियर करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे, ये देखिए मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप मूवमेंट दिया था, ठीक है? मार्केट ने उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखे रेड कैंडल बनाई, तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अच्छी खासी बाइंग पोजीशन देखने को मिली और मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहीं से वापस नीचे की तरफ गिरा। तो यहाँ पे छोटा सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा और यहाँ पे ये देखिए सेम सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया एकदम से हाई हाई बना के। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, वापस सेलिंग देखने को मिली मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया हल्का सा और मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ चला गया। तो ठीक है, चलिए एनालिसिस से पहले आपको मैं बताता हूँ मेरा पोर्टफोलियो किस हिसाब से आज का रहा है। मैंने इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिए थे 127.58 में, ठीक है? तभी उसका प्राइस चला है 129.70 में। और दूसरा देखिए यहाँ पे इन्फोसिस के मेरे शेयर है 10 क्वांटिटी में 529 के करीब, मतलब प्रॉफिट दिख रहा है आपको यहाँ पे। मैंने एवरेज लिया था 1375 के करीब, ठीक है? यहाँ पे देखिए आज कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे टाटा मोटर आज की डेट में 1% के करीब थोड़ा सा बढ़ा है, यहाँ पे 1.83% के करीब लॉस दिख रहा है, क्योंकि मार्केट अभी 4% के करीब डाउन हुआ था परसों के दिन। उसके बाद मार्केट काफ़ी मतलब डाउन चल रहा है अभी टाटा मोटर का। यहाँ पे जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको टोटली प्रॉफिट दिखने वाला है, ठीक है? टुडे का प्रॉफिट दिख रहा है आपको 960 रुपीज़ का। तो चलिए दोस्तों अब एनालिसिस देख लेते हैं किस हिसाब से मार्केट होने वाला है, ठीक है? तो चलिए पूरा देख लेते हैं यहाँ पे। ये आगे हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट में, यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, आपको दिख रहा होगा 17039 के करीब मार्केट काम कर रहा है। ये देखिए 17039 दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे बढ़ेगा, देखिए 17039 दिख रहा था आपको यहाँ पे, अभी 17041 हो गया यहाँ पे। तो लाइव मार्केट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट है अपने पास, तभी देखते हैं यहाँ पे ट्रेड लाइन के आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ट्रेड लाइन में किस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड लाइन के ऊपर काम कर रहा है, आपको मैं क्लियर करके बता देता हूँ। इसके ऊपर भी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये एक और अपनी ट्रेड लाइन हो गई। अभी आपको बता देता हूँ किस हिसाब को रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट लेने हैं टोटली क्लियर करके, यहाँ पे किस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेड लाइन के ऊपर किस हिसाब से मार्केट ने काम किया, यहाँ पे ऊपर आया मार्केट, वापस नीचे की तरफ आया मार्केट ने वापस ऊपर मूवमेंट दिया, और जैसे ट्रेड लाइन को टच किया वापस मार्केट नीचे की तरफ आ गया। उसका देखिए मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, वापस मार्केट ट्रेड लाइन की तरफ गया और वापस वहीं से नीचे गिर गया, देखिए फुल देखने को मिला। अब मार्केट यहाँ पे आया तो वापस अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ये देखिए ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, लाइव मार्केट देखिए 17037 है, अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको मैं ये क्लियर करके बता देता हूँ मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पॉइंट के, मार्केट कहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, कहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपने ले लेते हैं रेजिस्टेंस के पॉइंट की, वहाँ मार्केट कहाँ से नीचे की तरफ गिर सकता है। सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस का पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट होने वाला मार्केट अगर इससे ऊपर जाता है तो मार्केट में सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट होने वाला ये, सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट होने वाला ये, क्योंकि देखिए मार्केट यहीं से वापस नीचे की तरफ गिरा हुआ है। तब सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट होने वाला ये, देखिए मार्केट यहाँ से भी ऊपर की तरफ गया हुआ है सपोर्ट लेकर के, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फुल हुआ है। तो अपने पास दोनों पॉइंट है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का पॉइंट होगा 17038 के करीब। अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस लेने वाला यहाँ पे, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से भी नीचे गिरा हुआ है, मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरा हुआ है, और ये देखिए मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरा हुआ है। तो इसके बाद का अपना रेजिस्टेंस का पॉइंट होने वाला है 17078 के करीब। उसके बाद अगर मार्केट इससे भी ऊपर जाता है तो कहाँ पर लेगा रेजिस्टेंस का पॉइंट, उसके ऊपर भी जाएगा मार्केट तो यहाँ पे ले सकता है रेजिस्टेंस का पॉइंट 17110 के करीब, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल देखने को मिला। यहाँ पे देखिए ये भी कैंडल आपको मिली है, यहाँ पे नीचे मार्केट गिरा हुआ है,
ये देखिए आपको यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, यहीं से मार्केट देखिए बड़ा रेजिस्टेंस का पॉइंट भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने सपोर्ट लेकर के इतना अच्छा मूवमेंट दिया था ऊपर की तरफ। उसके ऊपर भी अगर रेजिस्टेंस का पॉइंट देखेंगे तो अपने कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं। अगर इसके ऊपर अपने रेजिस्टेंस का पॉइंट देखेंगे तो अपना होने वाला है यहाँ पे, ये पॉइंट होगा। मैंने ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखे सपोर्ट लेकर के कितना बड़ा मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ, वापस मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ फॉल हो गया। इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस का पॉइंट दे देता हूँ आपको, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस का पॉइंट होने वाला है ये होगा आपका रेजिस्टेंस का पॉइंट, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा सपोर्ट लिया और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो चलिए ये तो हो गया हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट, अब देख लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट के पॉइंट, तो हम सब क्लियर कर देते हैं टोटली। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के पॉइंट, इस हिसाब से अपने को रेजिस्टेंस लेना है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट अगर इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो अपने को कैसे मूवमेंट लेने हैं मार्केट में, ये देखिए अगर मार्केट इसको नीचे क्रॉस करके आता है तो अपने को किस हिसाब से सपोर्ट के पॉइंट बनाने हैं। यहाँ पे देखिए अगर मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा तो अपना सबसे पहला सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है ये, सबसे पहले अपना सपोर्ट का पॉइंट रखेंगे ये, क्योंकि मार्केट इसी को टच करके ऊपर की तरफ गया हुआ है। देखिए ट्रेड लाइन में इसी को मार्केट टच करके ऊपर की तरफ चला गया। अब दूसरा अपना सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है इसके नीचे मार्केट का ये, अपना सपोर्ट का पॉइंट होने वाला है ये, क्योंकि मार्केट देखिए ट्रेड लाइन की तरफ आया था मार्केट, उसके बाद नीचे गिरा तो कहाँ तक गिरा, 16,953 तक ही गिरा मार्केट, उसके बाद देखिए मार्केट वापस ऊपर की तरफ चला गया। और ये भी पॉइंट देख सकते हो कि यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो आपके पास दो पॉइंट है यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ। उसके बाद और पीछे देख लेते हैं मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक और सपोर्ट का पॉइंट आपको बता दो, तो उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो कहाँ तक गिर सकता है, इसके अगर नीचे मार्केट जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिख रहा होगा 16,927 के करीब। अगर मार्केट इससे भी नीचे गिरता है तो 16,927 तक मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, दिख रहा है आपको। तो ये तो हो गया हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, आप इसी हिसाब से काम कीजिए, आपको मार्केट में कल प्रॉफिट होगा। आप टोटली चीज़ें ध्यान रखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।